हेलो टू एवरीवन मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ मैक्स से तो मैं पहले बैठ जा हूँ आराम से ये है मैक्स और इसकी एज है पच्चीस महीने मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी इसके इंट्रोडक्शन की और आवाज़ ठीक नहीं आई तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूंगा जैसे कि मैं वीडियो में बोलता हूँ नजर आऊँगा लेकिन वो मैचअप नहीं होगा ये है मैक्स और इसकी एज है ट्वेंटी फाइव मंथ ओल्ड तो मैं बात कर रहा था इस वीडियो में अबीडियंस की कि ये बहुत बड़ा हो गया अब पच्चीस महीने का हो गया हाइट शाइट बहुत तगड़ी हो गई है सिक्सटी फाइव तक होगी आई थिंक मीडियम साइज डॉग है वेल well, जो है डिवेल्प बॉडी है वेट इसका होगा पैंतीस से छत्तीस से किलो जो कि okay, एक शो लाइन जर्मन शेफर्ड का होना चाहिए या किसी भी अभी यंग मेल का होना चाहिए तो ये बहुत हाइपर है एक्टिव है और बहुत कम समाइम ओबीडियंस no, होता है बहुत कम लिसन करता है पब्लिक में जाओ तो खेंच रहा होता है और जान इतनी ज़्यादा है कि मैं कहता हूँ कि आपको फेंक ही देगा आप दूसरी तरफ देख रहे हैं और इतनी तेज़ी से ये खींचेगा कि आपको फेंक ही देगा अच्छा डिस्ट्रैक्शन जैसे ये बच्ची मेरी आ गई है वीडियो में तो उसकी तरफ देख रहा है मैं अभी दो तीन कमांड दूंगा अभी तो ये नहीं सुनेगा मेरी कमांड क्योंकि अभी दो बंदे हैं तो ये कन्फ्यूज़ है कि मैं किसकी सुनूँ बाल के साथ मैंने ये अटैच किया हुआ ये वाइट बाल सामने पड़ी हुई है इसके लिए ये कुछ भी करता है थोड़ा बहुत ओबीडियंस है सिट डाउन यस नो गुड बॉय ये वो ईट क्लीन और वाटर ये सारी कमांड्स ये समझता है अब बोल लो तो उसी टाइम करने की कोशिश भी करता है अब यंग है हाइपर है बहुत ज़्यादा और मैंने इसे पाला है तकरीबन एग्जैक्टली दो महीने का मैंने लिया था आठ वीक का तो से लेके अब तक मेरे पास ही है ये तीन शो खेल चुका है एक पप्पी में वीपी वन लगाया है फोर स्टार के साथ <coughs> अंडर आयरिश जज और उसके बाद एक फ्रेंच फ्रांस से आई थी जज उसके अंदर भी ये <coughs> बेस्ट सॉरी बेस्ट ऑफ द ब्रीड हुआ है अच्छा ये तीन शो तीनों के तीनों बड़े अच्छे इसने रैंकिंग में जीते क्लास चाहे छोटी थी इतनी बड़ी क्लास नहीं उसमें कम कुत्ते कम्पीट कर रहे थे लेकिन क्या कॉस्मेटिक था तब अब मेरा कुत्ता इतना कॉस्मेटिक नहीं है लेकिन अभी वेदर चेंज हो रहा है तो थोड़ा डार्क और हो, हो, हो रहा है डार्क भी हो रहा है और प्लस मैंने कोकोनट ऑयल स्टार्ट किया कोकोनट ऑयल से इसका कलर बहुत अच्छा हो गया बहुत अच्छा हो गया बहुत ज़्यादा रेड भी हो गया और डार्क वाला भी महोगनी कलर जैसे बोलते हैं वो वैसा कलर ही आ रहा है अच्छा जो अगर इसकी ब्रिंगिंग की बात करें तो मैंने इसे शुरू से ही रॉयल कैनन पे रखा है रॉयल कैनन और साथ रॉ मीट वो चाहे बीफ चाहे लैम चाहे चिकन या कोई भी और मीट मुझे मिलता रहा है वो मैं टेस्को से या फिर मैं बुचर से जा कर लेके आता हूँ और मैंने ये देखा है कि जब जब मैंने इसको रॉ फीडिंग पर रखा है कुत्ते ने अपना आप अप दिखाया है आँखों से लेके बालों से लेकिन नाखून तक कुत्ता चेंज हो जाता है रॉ फीडिंग रॉ फीडिंग में एक तो इसकी लुक आफ्टर करना बहुत ईजी है जल्दी कुत्ता हेल्दी हो जाता है और सुपर एक्टिव होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है जैसी मर्जी आप ऐसे सारा दिन भी एक्सरसाइज करवाते रहे ये थकता नहीं है और जो है कीबल्स, जैसे नट्स रोल कैनल का फूड मैं देता रहा हूँ लेकिन मुझे वो कभी भी इतना पसंद नहीं आया वो कभी भी इतना पसंद नहीं आया उससे कुत्ता मोटा तो हो जाता है बहुत ज्यादा लेकिन कुत्ते में खूबसूरती खत्म हो जाती है पता नहीं क्यों रॉ मीट के मुकाबले में बात कर रहा हूँ और उसके उससे अच्छे भी डॉग फूड हो गए चीप वाला डॉग फूड भी होता है आपने देखना है कि आपका कुत्ता जेनेटिकली कैसे कलर्स में इसके माँ बाप कैसे या लाइन कैसी कलर्स में हैं या आपके कुत्ते तो को सूट क्या करता है कहीं तो चिकन और राइस और वेजिटेबल्स मिला के वो ही बहुत ज़्यादा सूट कर देता है इनको अच्छे कलर कंडीशन कर देता लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़्यादा वेदर अच्छा माहौल क्योंकि मैं आयरलैंड में रहता हूँ यहाँ टम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वेंटी फाइव तक जाता है गर्मियों में वो भी सिर्फ दो वीक उसके बाद फोटीन फिफ्टीन दस बारह 6, सात आठ नौ दस इसके दरमियान रहता है या सर्दियों में बहुत ज़्यादा भी सर्दी होगी तो माइनस दो तीन तक जाएगा ठीक है उसमें मैं तो ऐसे करता हूँ मेरा कोई जो डॉग है ये बाहर ही रहता है बैक यार्ड में ही मैंने रखा हुआ है इधर ही रहता है चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे माइनस हो चाहे बर्फ गिर रही हो मैंने कोई जैसे कि आप देख सकते हो अगर मेरी और भी वीडियो है मेरा जो केज है वो बिल्कुल ही ओपन है उसमें कोई चक्कर नहीं है उसमें हवा एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरती है कोई चक्कर नहीं है मैंने खुला ही रखा हुआ है और ये काइंड उसमें इन्वायरमेंटली सेटल भी हो गया होगा इसको ठंड छंड कोई नहीं लगती पाकिस्तान में पता नहीं जब सर्दी आ जाती तो लोग पाकिस्तान इंडिया में इनको कवर कर देते हैं कि बुखार ना चढ़ जाए इनको सर्दी कहाँ से लगनी है इतने हैवी कोट हैं इनमें कि हवा नहीं गुजरती किसी किस्म की ना अच्छा यहाँ मैं थोड़ा सा भी का बताने वाला था कि कितना ये बाल के साथ मैंने ट्रेन किया अगर मैं कहूँ सेट और ये सेट हो जाए अगर कहूँ डाउन डाउन अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अच्छा इधर ही स्टे है फिर मैं कैमरे की बैक साइड पर जाके इसे कॉल करूँगा आएगा और फिर एक दफ़ा मैं करवाने की कोशिश करूँगा क्योंकि उसे पता है कि मैंने इसे कहना है कमांड वो पहले से ही रेडी होता है एक दफ़ा आप सिखा दो ये मैंने बैल